दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। 2024 में कुछ म्यूचुअल फंड की पॉलिसी में यहां पर बदलाव किए गए हैं, जैसे कि टैक्स को लेकर, इसी के साथ में शॉर्ट टर्म, इसी के साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे को निकालते हैं तब आपको कितना यहाँ पर टैक्स पे करना होगा और कितने से कितने तक आपको टैक्स पे करना होगा। इसी के साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे की निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटी से लेके बड़ी बात तक को यहाँ पर कवर करूँगा। इसी के साथ में अगर आपका म्यूचुअल फंड में पैसे या निवेश हुआ हुआ है तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि 2024 में और 2025 को लेकर जो बदलाव इसमें हुए हैं वो भी आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। जैसे कि मेरा इस म्यूचुअल फंड में SBI के इसमें मेरा पैसा खुद निवेश हुआ हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 3.5 लाख रुपए यहाँ पर निवेश किया था, वो भी मैं चलिए आपको बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो कुछ वेबसाइट हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दूँ, जैसे कि ये कुछ वेबसाइट हैं, जैसे कि SBI कंट्रोल फंड और ग्रोथ, यानी कि 398.91 दिखा रहा है, ठीक है। एनएवी क्या है वो हम आगे चल के समझेंगे, फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा 398.91 यहाँ पर 91 दिखा रहा है। अब इसमें हम चलिए ओपन करते हैं, यानी कि इसमें दिखा रहा था 398.51 और इसमें यहाँ पर क्यों कम दिखा रहा है, और आपका अगर आप योनो एप्लीकेशन में जाके देखते हैं तो वहाँ पर आपका क्यों कम दिखाता है, वो भी हम इस सारी बातें इसी वीडियोस में जानने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो NAV है 397.73 और वहाँ दिखा रहा था 98.91। तो कहने का मतलब है जो NAV है यहाँ पर कम क्यों दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि जो NAV है वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। कहने का मतलब है ये वेबसाइट है थोड़ी सी जो NAV है वो यहाँ पर लेट अपडेट करता है दूसरी वेबसाइट के मुकाबले, ठीक है। तो इससे आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, पर इस पे समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा इस वेबसाइट के माध्यम से, इसीलिए मैं आपको इस वेबसाइट का यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ वगैरह सब कुछ देखते हैं, तो चलिए हम पहले शुरू से ही समझ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अब ये है SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब ये एक्चुअली में है क्या, यानी कि म्यूचुअल फंड हम किसे कहते हैं, सबसे पहले बात तो हम ये समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड हम उसे कहते हैं जो भी किसी भी कंपनी की या फिर किसी भी बैंक की एक स्कीम होती है, ठीक है। जैसे कि स्कीम होती है तो उसमें म्यूचुअल फंड नाम से ये स्कीम यहाँ पर ओपन हुई है। अब इस स्कीम का नाम है SBI कंट्रोल फंड रूरल प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब इसका यहाँ पर फंड मैनेजर होते हैं, उन फंड मैनेजर होते हैं जो भी इसमें पैसों को निवेश करते हैं, ठीक है, तो उस पैसे को वो मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। कहने का मतलब है हम इस फंड में, ये म्यूचुअल फंड है, इसमें हम पैसे को निवेश करेंगे, ठीक है। अब हमने तो इसमें पैसे को निवेश कर दिया, अब इस पैसे को मैनेज कौन करेगा, तो इसका होता है एक म्यूचुअल फंड मैनेजर। अब वो पैसे को आपके इन्वेस्ट करता है, उसे इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है कि आखिर कौन सी कंपनी के जो शेयर हैं वो बढ़ने वाले हैं और किस कंपनी के जो शेयर हैं वो गिरने वाले हैं, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो इसी चीज़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, उसका क्या नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग इसमें पैसे को निवेश कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो SIP शुरू कर सकते हैं, SIP शुरू आप इसमें कम से कम 500 रुपये से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में और आप यानी कि एक ही बार में निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम आप 5,000 रुपये इसमें निवेश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैसे निवेश किया था 3.5 लाख रुपये, यानी कि 1 सितंबर को, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आखिर मेरी अमाउंट अब कितनी हो रही है और आखिर टैक्स कैसा कैसा कटेगा और कितना मुझे पैसा मिलेगा। तो ये तो आप समझ गए कि म्यूचुअल फंड यानी कि क्या होता है। अब म्यूचुअल फंड में आखिर पैसे को निवेश कौन करता है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम जब पैसे को निवेश करते हैं तो 1% के हिसाब से वो हमारी कमीशन काट लेते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्योंकि हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, वो हमारे पैसे को यूज कर रहे हैं और हमारे पैसे से पैसा कमा के दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड मैनेजर वो अपनी कमीशन ले लेते हैं, अब क्योंकि वो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं और उन्हें इस चीज़ की जानकारी होती है और हमें शेयर बाजार की जानकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि किस कंपनी के शेयर गिर सकते हैं, किस कंपनी के शेयर घट सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में
एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि हमें वो जानकारी नहीं है, ठीक है। तो पर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं उन्हें इस चीज के बारे में जानकारी है, तो वो पैसा जो हम इसमें निवेश करते हैं वो अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 1,00,000 रुपए इसमें निवेश किया। अब म्यूचुअल जो फंड मैनेजर है, हमने 1,00,000 रुपए निवेश किया, वो कम से कम हमारे 20 कंपनियों में या फिर 10 कंपनियों में पैसे लगाएगा, ठीक है, जो कि उसकी नजर में होंगी एकदम टॉप, जो कि उस पैसे को दुगना कर सकें, ठीक है। ऐसी कंपनियों में वो पैसे को निवेश करेगा और ऐसे में वो कंपनी लॉस कर जाती है, चार यानी कि चार कंपनियों की जो शेयर की वैल्यू है वो घट जाती है, ठीक है। तो ऐसे में बची 6 कंपनी। अब 6 कंपनी में से 4 कंपनी बची जो, ठीक है, वो यानी कि 4 कंपनी उसका लॉस है वो रिपेयर करेंगी, जो 4 कंपनी घाटे में गई थी, जो 4 कंपनी के शेयर गए थे घाटे में, तो उसके जो 6 कंपनियों में से 4 कंपनियों के शेयर हैं वो यहाँ पर लॉस को रिपेयर करेंगे, जो 4 कंपनियों के जो शेयर थे वो यहाँ पर नुकसान करा था, ठीक है। अब बची 2 कंपनियाँ, तो 2 कंपनियों की जो भी शेयर की जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर यानी कि आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर हैं वो कुछ काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एनएबी। एनएबी क्या होती है, नेट एसेस वैल्यू, इसकी जो कि फुल फॉर्म होती है, यूनिट क्या हो, यानी कि एनएबी का मतलब ये होता है, जब भी ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर ये लॉन्च हुआ होगा तो इसके अंदर कुछ फंड को ऐड किया होगा, उस फंड को 10 रुपए के हिसाब से एनएबी बना दिया गया होगा, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर उन्होंने मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने 100 एनएबी बनाई, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से, अब वो एनएबी ना तो बढ़ सकती है ना तो घट सकती है, सिर्फ उनके प्राइस हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो एनएबी इस तरीके से काम करती है। तो एनएबी आप यहां पर देख सकते हैं, ये 10 रुपए के हिसाब से बनी होगी। अब यहां पर जो एनएबी है वो यहां पर है 397.73 पैसे, ठीक है। हालांकि इसकी एनएबी बढ़ने वाली है, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं, काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और आप यहां पर रैंक देख सकते हैं, इसकी 5 रेटिंग्स मिली हैं, और आप यहां पर जो कि इसका पैरामीटर है वो भी आप देख सकते हैं, वेरी हाई है, ठीक है। और इस म्यूचुअल फंड में जो इसका इस समय बजट है वो है 21,25,010,000, यानी कि 39,432 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड में इस समय निवेश हुआ हुआ है, ठीक है, इसका ये बजट है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वन टाइम, ठीक है, और SIP। आप कम में कम 500 रुपए से इसमें SIP कर सकते हैं, वन टाइम में आप कम से कम 5,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको कैलकुलेटर भी यहां पर देखने को मिल जाता है कि आखिर आपकी जो पैसे की वैल्यू है, अगर आप लगाते हैं 2023 में, अगर आपने पैसा लगाया था 2024 में, अब तक कितना पैसा हुआ होता, वो चीज़ आप यहां से गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं वो कहां कहां पैसा लगाते हैं, जैसे कि गोल्ड में, स्टॉक में, स्टॉक और शेयर एक ही चीज़ होती है, काफ़ी लोगों को पता ना हो तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, शेयर और स्टॉक एक ही चीज़ होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड है और भी कई सारी स्कीमें हैं जो कि लेटेस्ट में चलती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे हम सिंपली क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कैलकुलेटर, ठीक है, जो कि तो हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऐड आ जाता है, तो मैं इसे सिंपली यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3,50,000 रुपये, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3,50,125,000, हाँ 3,50,000, ठीक है, जैसे कि 21,25,000, 10,000, 1,00,000, ठीक है, 3,50,000 मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। अब जी ये पैसे मैंने कब इन्वेस्ट किए थे, जैसे कि मैं यहाँ पर डेट सिलेक्ट करूँगा, डेट सिलेक्ट कर देता हूँ 1 सितंबर, ठीक है, एक सितंबर 2023 में पैसे को निवेश किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबमिट पर सिंपली क्लिक करता हूँ, तो सबमिट पर मैं जैसे ही सिंपली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है अब तक, ठीक है, यानी कि 3,50,000 रुपये पे, जो कि आप देख पा रहे हैं इन्होंने रिटर्न दिया है 43 पॉइंट, यानी कि 1,00,000 पर 43,000 रुपये का यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट करके दिया है। अब जो आपने पैसे को निवेश किया था और जो आपका प्रॉफिट है वो दोनों को मिलाकर 5,00,000 यहाँ पर 6,911 रुपये होते हैं आज की डेट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम
यानी कि 3.5 लाख रुपए तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसे, ठीक है, बचा हमारा 1,56,911 रुपए। अब इसकी जो पॉलिसी है वो क्या कह रही है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं कि आखिर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे कि टैक्स, ठीक है, यानी कि कितना कितना टैक्स लगेगा। यहाँ पर 2024 में जो बदलाव हुए गए हैं वो ये हैं कि पहले था कि जो लॉन्ग टर्म पर, ठीक है, कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म कब आता है और शॉर्ट टर्म कब आता है, जैसे कि 1 साल से अगर आप पैसे को ऊपर निकालते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है, और इसी के साथ में अगर आप 1 साल से कम समय में निकालते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप एक, यानी कि जो आपका 1 ईयर है, अगर 1 ईयर के लिए आप परचेज करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि टैक्स लगता है, और उसके लिए लगता है यानी कि 12.5। कहने का मतलब है अब आपको यहाँ पर 12.5 देना होगा, कहने का मतलब है। और इसी के साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपकी जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो 1,25,000 से आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपका 1,25,000 से ऊपर टैक्स पड़ रहे, यानी कि जो इनकम है आपकी आ रही है, यानी कि बढ़ोतरी आ रही है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। वो भी मैं चलिए आपको बताऊंगा कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल गया है कि अगर आप यानी कि 1 ईयर परचेज डेट शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है 1 साल से अंदर अगर आप अगर पैसे को निकालते हैं तो आपको 20% आपको टैक्स पे करना होगा, और इसमें आपको किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी। अब सीधा सीधा इसका मतलब यह है, अगर आप यानी कि जो टैक्स है 2024 के हिसाब से वो ये है, अगर आप 1 साल से बाद पैसे को निकालते हैं तो आपको 1,25,000 की आपको छूट हो जाएगी, ठीक है। अब वो छूट किस तरीके से होगी, 1,25,000 की इसमें से मैं छूट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें से आप समझ सकते हैं 1,25,000 की मैं इसमें से छूट कर देता हूं, तो यहां पर जो अमाउंट बचती है, यहां पर जो अमाउंट है प्रॉफिट की, सबसे पहले तो मैं इसे यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, जैसे कि 1,56,911 रुपये, ठीक है, तो मैं यहां पर कर देता हूं 1,56,911 रुपये, ठीक है। इसमें से अब मैं यहाँ पर, मुझे बताया गया है कि इसकी जो टर्म कंडीशंस हैं इसके अनुसार, ठीक है, जैसे कि ये है यानी कि 12.5 यानी कि 1,25,000, ठीक है, यानी कि 1,25,000 रुपए आपकी इसमें से छूट हो जाएगी। किधर गया, ये है, ठीक है, मैं इसे निकाल लेता हूं कैलकुलेटर के लिए, माइनस में इसमें से कर देता हूं 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 मैं इसमें से कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब बचा मेरा 31,000 यानी कि 911 रुपये। अब इस पर मुझे यहाँ पर 12% यानी कि यहाँ पर टैक्स पे करना होगा, ठीक है, 12.5 यानी कि उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर पैसे को पे करना होगा, 12.5 के हिसाब से यहाँ पर जो टैक्स पड़ता है, मुझे यहाँ पर 4,450 रुपये का जो टैक्स है वो मुझे यहाँ पर पे करना होगा। अब 4,450 रुपये आप इसमें से निकाल सकते हैं, बाकी के बचे यहाँ पर इस समय जो अमाउंट मैं अगर निकालता हूँ तो यहाँ पर जो अमाउंट मुझे यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि इसमें से 5 लाख करीब यहाँ पर मुझे 5,02,000 रुपए के समथिंग यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिलेंगे। एक वीक में इतना कितना रिटर्न दिया है, एक मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, और 3 मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, और इसी के साथ में यहाँ पर 1 ईयर में इन्होंने 43.2 यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करते हैं तो आपको यहां पर अधिक प्रॉफिट कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जैसे कि विड्रॉल फीस, ठीक है, इसकी कोई विड्रॉल फीस नहीं लगती है, कोई अदर चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं इन्होंने 2 साल में कितना रिटर्न दिया है, 32%, और इसी के साथ में ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ए टू जेड इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और फिर भी आपका कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।